चुकी है, बुझाई ना जाएगी। पकड़ ली मैंने जब जाली तुम्हारे आस्थाने की, मुझे फिर क्या जरूरत है कहीं पर आने जाने की। एक छोटी सी आदत है तुम्हारे ही घराने की, बदल देते हैं मेरे होश तकदीरें। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख एहसान है, इतना शऊर जरूर है अजीम में कि कोई मिसरा अगर सच्चाई से भरा हो तो दिल से दाद निकलती है। हाजी साहब ने बहुत प्यारे प्यारे शेर आपको सुनाए, सुभान अल्लाह। मैं, मेरी पूरी पार्टी, हम लोग रूह ताजा हो गए हमारे। अब जरा मतला सुना आप जाकिर भाई। कादिरी घर की खैरात सब में बटे, सब में बटे कादिरी घर की खैरात सब में बटे। हाजी साहब मतलब पर तरफ जाऊंगा आपसे भी, और दुआओं का तलबगार हूं। कादिरी घर की खैरात सब में बटे, ना किसी के लिए ना उसी के लिए। सब में बटे गरीब अमीर गदा शाह मलंग तवंगर फकीर, कादिरी घर की खैरात सब में बटे, ना किसी के लिए ना उसी के लिए। चल दो बगदाद दामन पसारे हुए, चल दो ¡Gracias!
गंदे गंदे बंदे होकर हम फर्क रखते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो नीचा है, मैं ऊंचा हूं, मगर वली कभी फर्क नहीं रखते। अल्लाह के वलियों ने कभी फर्क नहीं रखा। दर पे सहाबी आया तो उसे भी वैसे ही नवाजा, दर पे गदा भी आया तो उसे भी वैसे ही नवाजा, दर पे फकीर भी आया तो उसे भी वैसे ही नवाजा। ये नहीं कि उसे कम, उसे ज्यादा, उसे अच्छा, उसे बुरा, नहीं नहीं। अज चल तो पसारे हुए गौसे का दर खुला है। अल्लाह ताला इन दोनों में ऐसी मोहब्बत रखे, असीम भाई में और मजीद भाई में, अज्जू मज्जू की कभी बिगड़े नहीं। बिगड़ने का सवाल नहीं है साहब, असल में क्या है, दोनों हद से ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। और जहां ज्यादा गलाक जाकिर भाई, जहां ज्यादा फाइटिंग होगी ना, वहां ज्यादा मोहब्बत भी होगी। हाजी साहब अब सुनना, सारे वलियों का ठिकाना होशे आजम का घराना, अकीदत जब लगाती है सदा ईमान में ढलकर, अकीदत जब लगाती है सदा ईमान में ढलकर, दरो दीवार हिलते हैं दरीचे जाग उठते हैं, दरो दीवार हिलते हैं दरीचे जाग उठते हैं, अकीदत जब लगाती है सदा ईमान में ढलकर, दरो दीवार हिलते हैं दरीचे जाग उठते हैं।
सुनने वालों से तवज्जो चाहूंगा मैं। माशाल्लाह सभी अहले समाज हमारे सामने बैठे हैं, तवज्जो का तालिब हूं मैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। तवज्जो दें, सारे वलियों का ठिकाना निगाहे कल्ब से बगदाद की जमी देखो, निगाहे कल्ब से बगदाद की जमी देखो, हम निगाहे कल्ब से बगदाद की जमी देखो, हर एक चाक तमन्ना वहीं पे सिलती है, देखो हर एक चाक तमन्ना वहीं पे सिलती है, भिखारी हम है डरे होश के तो क्या है, भिखारी हम है डरे होश के तो क्या है, भिखारी हम है डरे होश के तो क्या है, तैयार होश से वलियों को भीख मिलती है। नहीं था थोड़ा सा एहसास कर लीजिए कि जो कलाम लिखता है या जो कलाम कहता है वो कितनी मेहनतों से कहता है, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी जहनी, उसके बाद एक कलाम तैयार होता है। आइए आज की महफिल में मैं चार मिसरे रखने जा रहा हूँ, माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला वैसे इस कलाम में कोई मिसरा आपको कमजोर नजर नहीं आएगा। जरा आप पैर सीधा रख ले, मैं गौसे बाग का कलाम पढ़ रहा हूँ। शाहों ने लाके आए हाय, जितने अहले निस्बत बैठे हैं अपने अपने पीर को अपने तसव्वुर में कर ले और ये चार मिसरे सुन ले। गुलाम मुस्तफा भाई आप हाथ नीचे कर ले, आपके पीछे बैठे गुलाम भाई। शाहों ने लाके डाल दी कदमों में सल्तनत, शाहों ने लाके डाल दी कदमों में सल्तनत, शाहों ने लाके डाल दी कदमों में सल्तनत, मैं झोपड़ी में रह के भी सुल्तान हो गया, मैं झोपड़ी में रह के भी सुल्तान हो गया, मैं झोपड़ी में रह के भी सुल्तान हो गया। शाहों ने लाके डाल दी कदमों में सल्तनत, मैं झोपड़ी में रह के भी सुल्तान हो गया, मुझ पर ये मेरे पीर का एहसान हो गया, मुझ पर ये मेरे पीर का एहसान हो गया, मेरा घराना होश पे कुर्बान हो गया। I'm not afraid of the dark.
شاہوں نے آ کے ڈال دی قدموں میں سلطنت. میں جھوپڑی میں رہ کے بھی سلطان ہو گیا. بالخصوص آپ سے توجہ چاہوں گا ان چار مصروں پر بالخصوص. حاجی صاحب ولی ہے جس کے طالب, ولی ہے جس کے طالب وہ گھرانہ کیا گھرانہ ہے. ولی ہے جس کے طالب وہ گھرانہ کیا گھرانہ ہے. کہ ذکر غوث اعظم تو تصوف کا خزانہ ہے. تصوف کا خزانہ ہے. اگرچہ مر کے جینے کا, مر کے جینے کا, اگرچہ مر کے جینے کا یقین لطف پانا ہے. اگرچہ مر کے جینے کا یقین لطف پانا ہے. رفاعی بن کے پہلے سر میں اللہ
करता हूँ। अरे अहमद भाई मिश्रा देखना, माशाल्लाह कमलेश्वर बाबा की कमेटी उर्स कमेटी भी मुझे सुन रही है, जवाहर से भी मेरे कुछ अजीज मोइन अजहर शोएब आए हैं मुझे सुनने, बहुत बहुत दूर दूर से मेहमान आज इस महफिल में तशरीफ फरमा है। मैं इन चार मिसरों पर भी तवज्जो चाहूंगा, जो लोग अजीम का कलाम पसंद करते हैं तवज्जो फरमाए। गुलाम मुस्तफा भाई, दुनिया में रह के दुनिया से कंगाल हो गया, दुनिया में रह के दुनिया से कंगाल हो गया।
गुजरियों यार भाई, ये जो फीलिंग है ये मुझे मेरे सरकार गरीब नवाज की अता है। गुलाम मुस्तफा भाई जरा सुनना देखना, और मैं ये गुरूर से नहीं कह रहा हूँ, नाज से कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। हाजी साहब फिल्म देख मत, आप इधर आ जाओ, आ जाओ। एक ही तो है वो बात, आपको बात बता दूं कि हाजी साहब जो अपनी फोन पे हुई थी, मैं जब घर में था आपने हकीम को भेजा था। ये मुझे मानते बहुत है, ये बात अलग है कि जाहिर नहीं करते मगर मानते बहुत है। मेरे पीठ पीछे कहते जरूर है कि यार वो जरा अजीम वही भारी पड़ता है मुझे। अब जिस वक्त जाकिर भाई, अरे भाई बाबा वो जाकिर भाई, जिस वक्त ये मैं पैर की वजह से जब मेरा हादसा वो नया नया हुआ था, मैं अफ्रीका से आया था, तो मेरी कंडीशन ये थी साहब, मेरी कंडीशन ये थी कि मैं बिल्कुल करवड़ भी नहीं ले सकता था, लेटा हुआ रहता था, करवट भी नहीं। तो उस वक्त एहसान है हाजी साहब का कि इन्होंने इटारसी से दो हकीम भेजे। वो हकीम ढूंढते ढूंढते मुझे पहले फोन किया, बोले हसीन ना था मौला जी हमारा आपके घर पे। मौला कौन है आप? हम इटारसी के मशहूर हकीम है जी। मौला अच्छा, 10 मिनट में तुमको खड़े कर देंगे। मौला जल्दी आओ। वो आगे मैंने बोला किसने भेजा आपको? तो बोले छोटे मजीद भाई ने, उन्होंने कहा कि मेरे अजीम का पहले आप इलाज कीजिए। इस बात पर जरा पुरजोर तालियां बजाइए आप, क्योंकि इनका इनके दिल में जो मोहब्बत है मेरे लिए। जाकिर भाई, अब वो दोनों हकीम उस्ताद का नाम लेने लगे हाजी साहब का। मैं भी खुश हो गया कि चलिए मजीद भाई के दिल में मेरे लिए इतनी हमदर्दी। उसके बाद 2 दिन के बाद वो मेरा इलाज करते रहे दोनों हकीम। 2 दिन के बाद हाजी साहब को मुझे फोन आया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीम, कैसे हो? हाँ जी साहब मैं ठीक हूँ, अभी इलाज चल रहा है। हाँ इलाज चल रहा है हाजी साहब। अरे यार तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ यार, ये बोले थे ना तुम? मैं झूठ नहीं बोलता। लगे मैं चलो जुमला सुन रहा यार, अजीम तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ यार, गाने में दिल नहीं लग रहा, ये कुत्ते बिल्ली के बच्चे बकरी के बच्चों से गागा के परेशान हो गया। हिंदुस्तान में एक ही तो शेर का बच्चा है जिसका नाम अजीम नाजा है। ये बोले थे क्या? नहीं बोलो तुमने? हाँ बोले। और मैं इन्हें बहुत छेड़ता हूँ स्टेज पर भी और स्टेज के नीचे भी। आज भी होटल में बहुत बहुत सताया, कितना हंसाया। इन्होंने भगा दिया मुझे रूम में से, बोले अजीम चले जाओ वरना मेरे पेट दर्द हो जाएगा। तो ये मोहब्बत है हमारी, मैं इनके सामने आप जिस तरह से बैठकर सुन रहे हैं मैंने वैसे सुना है इन्हें, कई प्रोग्राम नीचे जमीन पर बैठकर सुना है मैंने छोटे मजीद शुना साहब को। मेरी औकात नहीं कि मैं इन फनकारों के मुंह लग सकूं, ये तो मोहब्बत है, ये प्यार है और ये नवाजिश है मेरे सरकार गरीब नवाज की, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। आज मैं इनके साथ बैठा हूं कामयाब हूं हाजी साहब, मैं कुछ नहीं गा के भी कामयाब हूं। अब जरा फीलिंग देखना, गले की फीलिंग देखना। दुनिया वाले कहां ये समझ पाएंगे, दुनिया वाले कहां ये समझ पाएंगे, असल में अजीमत गौस क्या चीज है, अजीमत गौस क्या चीज है, असल में अजीमत
कहां ये समझ पाएंगे असल में अजीमत गौस क्या चीज है असल में अजीमत गौस क्या चीज है असल में अजीमत गौस क्या चीज है जिसको मंजिल विलायत की कहते हैं सब वो मेरे I'm awesome.